सो गाइस मैं आज की वीडियो में इस तरह की एडिटिंग करूंगा जो कि गाइस आप बन के लिए अपने फोटो को इस तरह से बना सकते हो। सो वीडियो को लास्ट तक देखना एंड गाइस अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल को भी प्रेस करो। सो गाइस मैंने आप इस वीडियो में आपको दो टिप बताए, एक जल्दी वाला और एक लेट वाला, जो कि गाइस आप अपने फोटो को अच्छे से बना सकते हो। सो वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैंने इस वीडियो में बहुत कुछ आपके लिए बताया है और जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा ही होगा कि एक क्लिक में आप लड़की के साथ अपना फोटो लगाएं तो गाइस ये बिल्कुल रियल है, आप एक क्लिक में अपने फोटो को लगा सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले अपने मोबाइल पर चलना है और यहाँ से आपको अपना पिक्सार्ट एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन कर लेते हो तो गाइस यहाँ पर आपको अपना फोटो ऐड कर लेना है। ठीक है, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा शॉर्टली मैं बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ पर फोटो ऐड करना है तो आपको जाना है इस ऐड वाले ऑप्शन पे, यहाँ आपको मिल जाएगा। आपको मैं दो टिक बताऊँगा जिससे कि आप अपने फोटो को अच्छे से, और एक जल्दी वाला और एक लेट वाला। ठीक है, तो जैसा अगर आप जल्दी बनाओगे तो जल्दी में आप समझ सकते हो कैसा बनेगा, और आप अच्छे से बनाओगे तो अच्छे से फोटो बनेगा। ठीक है, तो आपको सिंपली आपको जल्दी वाला बता देता हूँ मैं, आपको जल्दी वाला फोटो यहाँ से ले लेना और इसको ऐड कर लेना है। ठीक है, तो ऐड करने के बाद आपको उसको बड़ा कर लेना है, और बड़ा करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है इस कटआउट वाले टूल्स पे। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ आपको एक बॉडी का ऑप्शन दिखेगा एंड इस पर आपको कर देना है क्लिक। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको पीछे का बैकग्राउंड हट जाएगा, लेकिन यहाँ से हमें एकदम अच्छा लुक नहीं आता है। लेकिन जो हमें परफेक्टली अगर बैकग्राउंड हटाना है आपको, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, तो उसके लिए मैंने एक लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आप जैसे ही वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको पीछे का बैकग्राउंड हट जाएगा अच्छे से। तो गाइस यहाँ से आपको हटाने में देख सकते हैं इस तरह से हटेगा, लेकिन वहाँ से आपको अच्छे से एकदम बैकग्राउंड हट जाएगा। एंड आपको इस तरह से यहाँ भी इस तरह से लगा सकते हो इस फोटो को। ठीक है, तो आपको सिंपली से इस तरह से लगा लेना है, मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, एंड वहाँ से लगाना चाहो तो आप वहाँ से भी लगा सकते हो इस फोटो को। ठीक है, तो इस तरह से आपको बना लेना है। एंड गाइस अभी हमें अपना हाथ पीछे करना है, तो यहाँ से देख सकते हैं इरेजर है एंड इस पर करना है आपको क्लिक। ठीक है, एंड यहाँ से आपको इस तरह से इरेज कर देना है। ठीक है, इसके हाथ से हटा देना है आपको। ठीक है, इस तरह से हटा देना है एंड यहाँ से भी हटा देना है। गाइस मैंने ऑलरेडी अपना हाथ दे रखा है इसमें, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसमें लगाने के लिए। तो सिंपली आपको यहाँ से ऐड कर लेना है। तो गाइस हमारा फोटो बन चुका है एकदम से, एक ही क्लिक में देख सकते हैं आप। सिंपली गाइस आपको यहाँ से कर लेना है इसको ऐड ड्रॉ टूल पे ऑप्शन पे क्लिक करके, एंड यहाँ से आपको थ्री डॉट मिलेगा एंड यहाँ से आपको इसको सेव कर लेना। अभी गाइस हमें इसमें कलर ग्रेडिंग करना है, तो सिंपली इसको बैक कर देना है और चले जाना है अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में। ठीक है, तो इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप इसको भी डाउनलोड कर लेना है एंड यहाँ से इसको ओपन कर लेना है। सिंपली ओपन करने के बाद आपको ऑल फोटो पे चले जाना है एंड यहाँ से आपको अपने फोटो को ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ से आप अपने फोटो को ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस ये फोटो ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा एंड सिंपली आपको क्या करना है, आपको मैंने एक प्रीसेट दिया है। ठीक है, एंड इस प्रीसेट को जैसे ही आप इस पर अप्लाई करोगे तो आपका फोटो एकदम अच्छा वाला बन जाएगा। सिंपली इसकी आपको कॉपी सेटिंग कर लेनी है। ठीक है, यहाँ से इसकी सारी सेटिंग कॉपी करने के बाद यहाँ से आपको डन कर लेना है एंड बैक चले जाना है एंड अपने फोटो को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस तो आपको थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपको पेस्ट सेटिंग ऑप्शन मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। सो गाइस देख सकते हैं आपका फोटो एकदम अच्छे से बन चुका है, जैसे कि एक क्लिक में हमने देखा हमारा फेस भी स्मूथ हो चुका है एंड कलर ग्रेडिंग भी हो चुकी है। सिंपली गाइस आपको इस तरह से आपको फोटो बन जाएगा एंड यहाँ से आपको क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको फोटो जाएगा सेव। सो गाइस ये वीडियो आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बनाई है मैंने और बहुत ही कम टाइम में। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।